सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। देखो बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, चित्र बना हुआ है ना, तो इस चित्र में देखो जरा बताओ मुझे क्या क्या बना हुआ है। ये देखो ये खरगोश बने हुए हैं, ये क्या है, क्या है ये क्या उड़ रही है, क्या है चिड़िया, ये क्या बने हैं, पेड़ों के ऊपर क्या लगा है, और ये खरगोश हाथ में क्या लेके बैठे हैं, और यहाँ पर ये गाजर का खेत है तो इसमें क्या लगी हुई है, और ये छोटी छोटी घास भी लगी है यहाँ पे, इधर क्या है और इधर क्या है, और यहाँ पर ये थोड़े से पत्थर पड़े हुए हैं, क्या पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सुंदर सा एक चित्र बनाया है, और इधर साइड में मैम ने कुछ और चित्र बनाए, जैसे यहाँ पे क्या बनी हुई है, और पत्ती के आगे गोला खाली बनाया है, उसके नीचे फूल है और गोला खाली है, और यहाँ पर गाजर बनी हुई है और गोला खाली है। करना क्या है, हमें चित्र में से गिनना है, क्या गिनना है, सबसे पहले हमें पत्ती गिननी है, तो पत्तियाँ कहाँ बनी हुई है, चलो धीरू आओ यहाँ पर, चौक ले लो, चौक चौक उठा लो, तो पत्तियाँ कहाँ बनी है, ये बनी है, बनी है, तो इन पत्तियों को गिनना है, गिनो जरा कितनी पत्तियां हैं, कितनी पत्तियां बच्चों, कितनी है, तो सात पत्तियां हैं, तो पत्ती के आगे और ढूंढ लो, देखो कहीं और तो नहीं बनी हुई है, ध्यान से देख लो कहीं बच्चे और बनी पत्तियां नहीं बनी ना, तो पत्ती के आगे वाले गोले में क्या लिख देंगे, हाँ लिखो सात। ठीक है, अब अगला क्या बना हुआ है, अब ढूंढो जरा फूल कहाँ है, गिनो कितने फूल हैं, कितने फूल हैं, पांच फूल हैं, तो चलो पांच लिखो फूल वाले गोले में, पांच सही बनाओ बेटा, हाँ आप सही बना। ठीक है, अगला क्या है बना हुआ है, गाजर, तो गाजर गिनो जरा कितनी गाजरें, हाँ सारी गाजरें गिनो, जितनी खरगोश के पास है वो भी, और जो खेत में लगी है वो भी, सब लोग साथ में गिनते रहो, देखो कहीं कोई गाजर छूट ना जाए, कितनी गाजरें हैं, कोई छूटी तो नहीं, चलो आठ लिखो गाजर के आगे। अगला क्या बना हुआ है नीचे गाजर के, पत्थर, क्या है पत्थर, गिनो कहाँ कहाँ पत्थर बने हैं, कितने पत्थर हैं, चलो छह लिखो पत्थर में। ठीक है, अगला पत्थर के नीचे क्या है, आम, कौन करेगा आके, कोई और, चलो किशन कांत, चलो आम गिनो कितने आम है, कितने आम है, देख लो कोई छूटा तो नहीं आम, चलो पांच लिखो आम के आगे, चलो बहुत बढ़िया, अब चलो लच्छे को दे दो चौक, चलो लच्छे उधर जाओ, क्या है बना हुआ है, पेड़, गिनो कितने पेड़ हैं, हाँ कितने पेड़ हैं, और तो नहीं है, चलो वो तो वहाँ पे लिखना है, चलो चार लिख दो, नहीं पहुँच पा रहे हो, लाओ चार, चलो गिने हैं इन्होंने तो चार लिख दिया गया है।
ठीक है, चलो ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है सूरज। चलो नैन्सी तुम लिखो सूरज। कितने सूरज हैं गिनो जरा, देख लो। दो तो नहीं है, कितने सूरज हैं? चलो एक लिखो सूरज के आगे। बड़ा बनाओ थोड़ा, बस ठीक है। चलो अगला, अगला चलो आरती को दो, आरती को दो चौक। आरती अगली क्या बना हुआ है? चिड़िया। चिड़िया गिनो कितनी है। इससे गिनो कितनी है? पांच। चिड़िया के आगे पांच लिख दो। बिल्कुल सही। अगले क्या बने हैं? खरगोश। क्या है खरगोश? कितने हैं? दो। दो हैं कि चार हैं? दो हैं कि चार हैं? दो ही हैं पक्का? चलो लिखो जल्दी खरगोश के आगे दो। उसके बाद क्या है? घास। नीचे क्या बनी हुई है? घास गिनो कितनी घासें हैं। हाँ, कितनी घासें हैं? देख लो, और तो नहीं कोई छूट गई? चलो लिख दो घास। कितनी घास है? सात। लिख दो सात। और एक चीज छूट गई है इसमें, तितलियां। तितलियां बनाई नहीं है इधर, तो तितलियां गिन के लिख दो कितनी तितलियां हैं। तितली गिनो कितनी है? कितनी है? तीन। यहाँ लिख दो तीन, नीचे यहाँ पर तीन लिख दो। तीन क्या है? तितलियां है। क्या है तीन? तितलियां बना दें ताकि तुम लोगों को पता रहेगा कि क्या था। ठीक, अब बढ़िया बन गया सब। कैसा लगा? कैसा लगा? गिनतियां गिनने में मजा आया सबको? हैं? अब तो नहीं गिनती भूलोगे? चलो क्लैपिंग करो भाई।